हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई और मेरा भाई शादी का फर्स्ट व्लॉग है ये। और अभी सभी उठे ही नहीं है। और भाई मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो खम्बा है, मतलब यहाँ पे ना चार स्तंभ है, ये एक दो तीन और एक उस साइड चौथा दूसरी साइड है, मतलब जिस साइड से देखेंगे चार दिखेंगे। ये पहाड़ देखो, यहाँ पे धूप पड़ रही है, सिर्फ ये पहाड़ दिख रहा है धूप वाला, बाकी यहाँ पे अभी लेट रहेगी धूप थोड़ी। गांव दिखाती हूँ मैं, तो बैठे हैं पापा आग से करे, बस वही उठे, अभी कोई भी नहीं उठा और मैं उठी हूँ। और रास्ता एक वो घर है, वहाँ ताई जी रहते, ताई जी वो वहाँ वहाँ धूप है अभी, क्योंकि हम इस पहाड़ के पीछे धूप है ना, अभी जब इस पहाड़ के थोड़े से ऊपर आएगी ना धूप, तब यहाँ पे आएगी छत पे। और भाई रास्ता दिखाते, मैं कूद के जाना है मुझे, ऐसे देखा ही होगा कि लोग, मैं कूद तो बड़े आराम से चलती हूँ। अब मैं लेके चलती हूँ, मस्त है ना। सुबह सुबह आग से करे, चंडीगढ़ बेस्ट है यहाँ पे? ये सवाल मेरा है। तुम्हें पहले कैसे लगा? हमें तो यहाँ बेस्ट है, ये बेस्ट है ना, हमें ये अच्छा लगता है क्योंकि हमारा तो ये जन्मभूमि है। अब तुम बच्चों को कैसा लगा? सबसे ज्यादा तो बेटा आपको कैसा लगा ये? मुझे तो बहुत पसंद आया। दूसरी स्टेट है, गांव है ये तो, बिल्कुल तो शहर की रहने वाली है। नहीं, मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। तो हम आया करेंगे फिर हर 6 महीने में एक बार ने। हाँ, गर्मियों में भी, सर्दियों में भी, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। पानी गर्म हो रहते, आज हम जंगल भी जाएंगे।
घूमने। उठ जा उठ रहा उठ जा। उठ रहा ऐसे कौन उठता है? उठेगी ऐसे कौन उठता है? सोने दे, ओए अभी फोन चला रहा था कि मोए मोए पता लगा ऐसे डालू मैं भी फोन जैसे तू मेरे मुंह पे करता मोए मोए दिखा दिया मैंने। व्यू में सोया है दौलाधार से तीन पूरा बड़ा है पसंद है से दूर जा रहा है इसलिए नाच रहा है। हम जा रहे हैं भीलवाड़ा हमें अकेला छोड़ के। यस और कुछ चाहिए होगा तो तू मुझे व्हाट्सएप कर सकती है। मैं तो लाऊंगा नहीं, रॉनी को करती हूं। रॉनी अच्छा ड्राइवर है वो ले आएगा। अब मुझे बता देना कुछ भी चाहिए होता। मैं हमने लिस्ट दे रखी है उसको दे रखी है ना बस वो ले आएगा क्योंकि मैं तो लाऊंगा नहीं। ओके भाई चीजी लेके आना। चीजी क्या चाहिए? कुछ भी चीजी होती है एक एक्स्ट्रा चीज जो तू मेरे ले आए। चल ठीक है और कुछ होती वो चीजी होती है और जो भी लिस्ट दी उसमें कोई सामान मिस हो गया होगा ना तो मुझे व्हाट्सएप कर दियो। नहीं ठीक है नहीं जाएंगे मना किया नहीं मना कर दिया। हाँ। बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम अभी वो नहीं हो ऊपर गद्दे लगा कर आराम से सो जाओ। ओके चिल मारो मजे करो। अनु भैया बेचारे चलो पापा जी से ठीक है गाइस बाय बाय बाय। तो गाइस अभी सब चले गए और हमने सोचा धूप में निकलते हैं पर अनु भैया की कॉल आ गई और क्या बोले कहते कि ये हमने एक बैग छोड़ दिया उससे लेकर तो भाई रास्ते में हम देखने जा रहे हैं कहाँ छूट गया तो वो सब निकल रहे हैं कि कौन से रास्ते में कहाँ जैसे बैग छूट गया है हमारे जेठ जी से। तुम्हारे गाइस बैग मिल गया इधर रह गया था भैरवनाथ के मंदिर ये बैग था ये इसमें बस कपड़े थे और कुछ नहीं था बस। अब हम घर वापस जा रहे हैं और अब हम छत में बैठेंगे और खटाई खाएंगे और हिमाचलियों के लिए हम खट्टा खाएंगे। ताला लगा के हम ऊपर छत पे निकल रहे हैं वहाँ पे हम खट्टा खुट्टा खाएंगे और उसके निकलने का बस ये रास्ता है जाने का। ये गद्दा फेंक के पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा। रुको पहले ना सामान फेंकती हूँ मैं गद्दा इसे पोज करते ये तो पोज नहीं होगी टैलेंट देखेंगे हम। बोरो प्लस लगाइए चलो जी हो गया रुक रुक उठा लेते उठा 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 लेते रुक जा इसमें ना बहुत ये नहीं गिनना चाहिए। चलो पता ही था मुझे ऐसा कुछ तो होगा तभी मैंने उधर रख दिया वो मुझे पता था ये अनहोनी होगी हमारे साथ। हमारे संतरे बिखर गए हैं गाइस बन का बहुत टेस्टी हो रहा है बट ये दो खराब है ना दो खराब निकले पर ये बहुत टेस्टी हो रहा है मजे आ गए। भाई जंकी ना मेरे लिए लेके आया था तो भी मैं और सौम्या पियेंगे और ये भी साथ में आ जाओगे आऊं शाबाश जल्दी से खाएंगे ये मेरा ब्याह हो गया मेरी दुल्हन ही रेड पजामा लाल लाल कपड़े पाए नया नया ब्याह हुआ इसलिए शर्मा तो सही थोड़ा। और ये मैंने करने क्यों दिया ये भी बता क्यों गया इसे मैंने 15 मिनट अपनी मालिश करवाई है पीठ की इसलिए करने दिया और क्या वरना तेरे को मैं ये चीज करने दूंगा। बहुत मतलबी है यार बहुत मतलबी हूँ मैं। और ये रेड पजामा क्यों पाया है क्योंकि रेड पजामा अच्छा लगता है मेरे पे अच्छा लगता है इस पे ब्लैक अच्छा लगता है तो इसको पलट दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा पलट दे फिर पर 3 दिन से पलटा हुआ था मजाक कर मजाक नहीं था ये सच था मजाक कर सच था ये रिवर्सिबल है भाभी एक दिन मैं ब्लैक पहनता हूँ एक दिन रेड पहनता हूँ फिर धो देता हूँ फिर एक दिन ब्लैक पहनता हूँ एक दिन रेड पहनता हूँ इसकी बात हो रही है ये देखो रिवर्सिबल है फिर ब्लैक धोया तो तूने एक चीज है जो टगी रही है धो सूखी रही है उसको सूखने की जरूरत है रुपाली ढक ले इसको हट अच्छा लग रहा था और गिरना मत इनकी शादी के बाद कैसा लग रहा है शादी के बाद अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे तुम बदल से गए हो मैं बदल सा गया हूँ सब बदल सा गया है। सीधे आंसर बता व्यू अच्छा आ रहा है तो आंसर भी अच्छा दे ले
मुंह तो चलो अच्छा नहीं है। बोल। इसी मुंह को पटाया रूपाली तूने? मैंने नहीं। इसी मुंह को झूठ तो ना ही बोल। मैं परेशान हो गया था रूपाली से। नहीं यार बस कर, नहीं का मतलब नहीं होता है, नो मीन्स नो। अंकित ये रुक जा, ये मेरा सर। मैं डर गया था जोर की किसी ने चीख मारी, मैं डर गया था। कसम खाई किसने पटाया था रूपाली? सबको पता है, सबने ब्लॉग देखे है। कसमें मैं नहीं खाता, सच मैं नहीं बोलता, कसम मैं नहीं खाता। सच मैं बोलता हूँ, कसम मैं नहीं खाता। सच भी नहीं बोलता ना? सच मैं बोलता हूँ। सच बोल रहे? और क्या? सच बोल रहे? और क्या? अरे 0.5 है। ये डालो ये। आ बाबू कुछ चलो कि एक क्वेश्चन बता, कल हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? कल हम जा रहे हैं त्रिजुकी नारायण। त्रिजुकी नारायण के बारे में मैं तुम सबको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं बताता हूँ, वहाँ पे पार्वती माता की शादी हुई थी, और कहते हैं कि जो भी न्यूली ये मतलब कपल्स होते हैं, वेडेड कपल्स होते हैं, इनको वहाँ जाना चाहिए। न्यूली ये उनको वहाँ जाना चाहिए। उससे क्या होता है, उनकी जो अपनी आगे की लाइफ होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। और जिनकी शादी नहीं होती उनको भी वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे शादी करनी चाहिए। वहाँ शादियाँ होती हैं त्रिजुकी नारायण पे, और वो हमेशा फुल रहता है क्योंकि वहाँ महादेव पार्वती माता की शादी हुई थी। एक चोर आया। चोर पॉपकॉर्न खा रहे हो? नहीं आजा, अपने लड्डू भी ले आइयो। आज हमने दो रील्स बना दी और एक अभी बन रही है इनकी, और लाइट तो चली गई यहाँ पे। वहाँ पे अभी भी धूप है, सुबह भी जल्दी धूप आती है और अभी भी धूप है। और अभी हम पियेंगे कॉफी, थोड़ा मौसम यहाँ रखा है।